हेलो स्टूडेंट, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हम लोग शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में बात करेंगे एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है तो उसके पास, उसके लिए कुछ क्वालिटीज उसके पास होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस चीज को समझे तो किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक लाइफ स्पन है। लाइफ स्पन वो ड्यूरेशन होता है जब किसी का बर्थ हुआ और बर्थ से लेके उसने डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अगर अपन लाइफ स्पन को देखें तो हमें उसमें कुछ स्टेजेस मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेज है जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है? फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। देन फिर आपका आता है बेटा मैच्योरिटी वाली स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होता है? एज वी नो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड द लास्ट स्टेज इज एजिंग, दैट मीन्स वी आर लीडिंग टूवर्ड्स द डेथ। तो आई थिंक ये स्टेजेस आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, अब पर्पस और नीड क्या है रिप्रोडक्शन की? तो एज वी नो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा बेटा तो वेरिएशन कहां से आएंगे? वेरिएशन के साथ साथ न्यू ऑर्गेनिज्म ही नहीं प्रोड्यूस होंगे तो जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो कैसे मेंटेन होगी? हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे दादाजी ये हैं, उनके परदादा, हमारे फिर परदादा ये हैं, फिर उनके दादाजी ये हैं, फिर उनके, तो वो कैसे? क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका बर्थ होता है, सारी स्टेजेस को क्रॉस करता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस कर रहा है उसके बीच में वो अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। एम आई राइट? नेक्स्ट, अब अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स। बट इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वो डिफरेंसेस बेटा, लाइक अगर अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। इन द सेम वे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो आपकी सेल डिवीजन का माइटोसिस है सिर्फ वही, दैट मींस वो सिर्फ ग्रोथ कराता है, वहां सेल डिवीजन देखने के लिए उसमें नहीं मिलता है मियोसिस। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बोथ काइंड ऑफ सेल डिवीजन, लाइक आपका माइटोसिस भी और मियोसिस भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है तो आपको कहीं भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे। क्यों बेटा? एक पेरेंट्स मेल, एक फीमेल, तो जब दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट्स का तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और उससे क्या होगा, जो भी थर्ड इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा ऑफस्प्रिंग का वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफर करेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल या तो बडिंग होता है या फिशन होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ये क्या है कि एक इंडिविजुअल है उसका एक छोटा सा पार्ट सेम उसी के जैसा इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल को। दैट्स वाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें अपन को वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।